दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, छपरा में जहरीली शराब से अब तक 24 लोगों की मौत। सारण में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा, अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोगों की मंगलवार देर रात ही मौत हो गई थी। 16 ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों की माने तो संदिग्ध स्थिति में 3 लोगों की मौत हुई, जिनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को हिरासत में लिया है। ये लोग कौन है पुलिस ने फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया है। बताया जा रहा है कि मसरक और इसुआपुर इलाके में देसी शराब की बड़ी खेप पहुंची थी, जिसे 50 से ज्यादा लोगों ने पिया था। लेकर बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बिहार विधानसभा में दिनभर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सरकार पर आक्रामक नजर आई। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने शराब त्रासदी मामले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शराब बिहार में भगवान हो गई है, यह राज्य में हर जगह मिल जाती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती है। साथ ही गिरिराज सिंह ने मांग करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार को शराबबंदी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, अगर कोई नीति सफल नहीं होती है तो उसके ऊपर फिर से विचार करना ही चाहिए। अगली खबर, बेगूसराय में आदमखोर कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। 8 महीने में अब तक 7 लोगों को नोचकर ही मार डाला। बेगूसराय में आदमखोर कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा, लोग लाठी लेकर चलने को मजबूर हैं। यहां पर 8 महीने में कुत्ते ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है। लोगों के मन में अब कुत्तों का खौफ इतना हो गया है कि दो अपने खेतों पर या अन्य कार्यों में जाने से डरने लगे हैं। प्रशासन भी कुत्तों के इस आतंक पर अंकुश लगाने में विफल है, इस कारण से अब स्थानीय लोगों में आक्रोश भी दिख रहा। अगली खबर, आर पार की लड़ाई के मूड में सीटेट बीटेट अभ्यर्थी, बोले सरकार से उठ गया भरोसा। बिहार में 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी पिछले 3.5 वर्षों से आंदोलन कर रहे। 6ठे चरण की नियुक्ति के लिए सरकार ने 1,22,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन मात्र 43,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है। 79,000 पद खाली रह गए। इसमें प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, +2 के विद्यालय के शिक्षकों के पद शामिल हैं। सीटेट बीटेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थी 2019 से अपनी नियुक्ति को लेकर समय समय पर आंदोलन करते रहे। अगलकर, बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर को होगी प्रवेश पत्र हुआ जारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तहत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीपीएससी की प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को आयोजित की जानी है। आयोग की ओर से परीक्षा के प्रवेश पत्र और परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा पैटर्न की जानकारी भी दे दी गई है। अलखोर, शराबबंदी पर कांग्रेस ने अपनी सरकार को घेरा। गठबंधन की बैठक में सीएम हुए थे नाराज। कांग्रेस ने कहा कि छपरा एसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। गठबंधन दलों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन की पार्टियों में से सबसे ज्यादा फटकार कांग्रेस पार्टी को लगाई। अब तक यह साफ है कि कांग्रेस की तनातनी गठबंधन की दोनों बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों से है। आरजेडी और जेडीयू दोनों कांग्रेस को जब जब पॉलिटिकल औकात बताने में लगी रहती है। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार मानती है, नीतीश कुमार को नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस विधायक दल के नेता कई बार मांग कर चुके हैं कि बिहार में शराब का मूल्य बढ़ा दिया जाए और शराबबंदी हटा लिया जाए। अलकर, बिहार में 15 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। मोतिहारी, पूर्णिया समेत कई इलाकों में घना कोहरा। पटना समेत 12 जिलों की आवाज सर्वाधिक प्रदूषित। बिहार के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरा भी घना होता जा रहा। अभी से 3 दिन पहले की बात करें तो प्रदेश का सबसे ठंडा शहर गया था, जहां पर न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गया के न्यूनतम तापमान में लगभग 5 डिग्री की वृद्धि दर्ज कर ली गई है और तापमान बढ़कर 13 डिग्री सेल्सियस हो गया है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के चलते ठंड बढ़ने में से 2 से 3 दिन का समय और भी लग सकता है। अलकर, रोहतास के काव नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत। मछली मारने के दौरान हुआ हादसा, बेटे को बचाने में पिता की गई जान। रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के काव नदी में डूबने से बाप बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाप बेटे काव नदी में मछली मारने गए थे, इस क्रम में गहरे पानी में चले गए और डूब गए। मृतकों की पहचान विक्रमगंज नगर परिषद क्षेत्र के गोसाई मोहल्ले के संजय सोनी 42 साल का और उसका बेटा अनमोल सोनी 16 साल के रूप में की गई। दोनों बाप बेटे दोपहर में शौकिया तौर पर काव नदी पर मछली मारने गए थे। अलखर, बगहा में गन्ना लदे ट्रक के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत, 2 लोग अभी भी दबे हुए हैं। बगहा में गन्ना से लदे ट्रक के नीचे दबने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोगों के अंदर ही दबे होने की आशंका जताई जा रही। वहीं दबे हुए लोगों की तलाश स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा। बताया जा रहा है कि ओवरलोड गन्ना लदा ट्रक अनियंत्रित होकर चौतरवा थाना मुख्य मार्ग के पतला निश्चित कारखाना टोला के पास अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 5 लोग दब गए। अलीगढ़, सीनियर आईएएस संजीव हंस का डीएनए टेस्ट होगा, हाईकोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। आईएएस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गायत्री यादव ने पटना हाईकोर्ट में अपील की थी।
महिला का दावा है कि सीनियर आईएएस संजीव हंस उसके बेटे के पिता हैं। इसका सबूत भी उनके पास है, जिसमें आईएएस संजीव हंस ने स्वीकारा है कि बच्चा उसी का है। इस कॉल रिकॉर्डिंग का वो कोर्ट में पेश करेंगी। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपनी मंजूरी देते हुए डीजीपी को इसके लिए एक निर्देश जारी करने को कहा है। औरंगाबाद जिले की रहने वाली महिला गायत्री यादव खुद वकील भी है और उसने ये आरोप लगाया है कि आईएएस संजीव हंस उसके बेटे का पिता है। अलकर शेखपुरा में 6 पुलिसकर्मियों पर एडीजे की कार्रवाई, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। गवाही न देने से जुड़ा है मामला। शेखपुरा में सिविल कोर्ट शेखपुरा में तैनात उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे द्वितीय विकास कुमार ने कोर्ट में गवाही नहीं देने वाले दरोगा सहित 5 जवान और चौकीदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गवाहों को अगले साल 2 फरवरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में गवाही के लिए प्रस्तुत करने का आदेश नगर थाना को दिया गया है। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी ने भी आदेश जारी किए हैं। अलकर प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। शहर में कूड़ा कचरा जलाते या फिर बिना कवर निर्माण कार्य करते पकड़े गए तो 5 से 25 हज़ार रुपये तक जुर्माना। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को देखते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग के द्वारा सभी निगम और जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है। प्रदूषण फैलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना भी किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम सभी अंचल में टास्क फोर्स टीम को अलर्ट कर दिया है। वही नगर निगम के इंजीनियर विभाग के द्वारा बिना हरा कपड़ा या जाली घेरे कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। अगर खुले में काम करते पकड़े जाते हैं तो वायु प्रदूषण निवारण के तहत जुर्माना के साथ साथ कार्रवाई भी की जा सकती है।